हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, जो आपका हाल ही में भी दूरसंचार का पेपर हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन एक ये भी आया था कि आपको दो लाइंस दी थी और उन लाइंस के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना था, और वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपकी वो दो लाइन की इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 4x plus 3y is equals to 11 एंड दूसरी है 8x plus 6y is equals to 15। तो गाइज, आप अगर एक चीज नोटिस करो, ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये वाली सेकेंड वाली इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर आप टू कॉमन लेते हो, अगर आप यहाँ पे टू कॉमन लेते हो तो ये क्या मिलेगा आपको, 4x plus 3y is equals to 15। अब इस टू को आप डिवाइड में ले जाओ तो ये कितना है, 4x plus 3y और ये हो जाएगा 15/2। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब एक चीज नोटिस कीजिए, अगर मैं इसको इक्वेशन थ्री बोल दूं, हालांकि वो इक्वेशन सेकेंड ही है, तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट, और इसमें भी चेक कीजिए x का कोफिशियंट और y का कोफिशियंट। तो अगर आपने क्लास टेंथ में अगर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो, राइट, तो यहाँ पे आप ये रिकॉल कर सकते हैं कि जब आपका कोई भी दो लाइन की इक्वेशन आपको दी हो, उसमें अगर x का कोफिशियंट और y का कोफिशियंट सेम हो जाए और जो कांस्टेंट पार्ट है, यानी यहाँ पे 11 कांस्टेंट है और यहाँ पे 15/2 कांस्टेंट है, तो ये अलग अलग हो तो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, राइट। ये आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जरूर पढ़ा होगा, जो क्लास टेंथ का चैप्टर है। अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो ये लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कुछ इस तरीके की लाइन होती हैं, करेक्ट। और इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट, चाहे आप कहीं से भी ले लो, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन आपका दूरसंचार के एग्जाम में आया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों की क्वेरी थी कि सर इसका इस क्वेश्चन का भी आप रिव्यू कर दीजिए, तो मैं उसी के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो देखिए, जब आपकी ये पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइन के केस में जो आप डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला है कि एक्चुअली वो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू मॉड के अंदर c1 माइनस c2, या फिर आप यहाँ पे d1 माइनस d2 ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपको लेने हैं, ठीक है, c1 माइनस c2 अपॉन रूट के अंदर a का स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर, करेक्ट, आपकी दो लाइन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको c1 c2 लेना है, तो c1 आप इसको ले लीजिए और c2 आप इसको ले लीजिए, इसको नहीं लेना है, इस वाले इक्वेशन को थोड़ा चेंज करना है, जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसको मैंने थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो, x का कोफिशियंट सेम, y का कोफिशियंट सेम, तो यहाँ पे जो a है, a क्या हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ x और b क्या हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ y, दोनों में आपके सेम ही है। तो यहाँ पे c1 c2 क्या लेंगे आप, d इज इक्वल्स टू, ये आपका c1 कितना हो गया, इसको आप 11 ले लीजिए, और c2 कितना हो गया 15/2, और नीचे आपका आ गया स्क्वायर रूट के अंदर a का स्क्वायर, a कितना है 4 का स्क्वायर 16 और b कितना है 3 का स्क्वायर 9। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, 11 - 15/2, यानी ये कितना हो गया 7.5 हो गया। इसको आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, 11 × 22 - 15 कितना हो जाएगा आपका 7 / 2, तो ऊपर आपका 7/2 आ गया, नीचे आपका कितना आ गया 16 × 25, 25 का स्क्वायर रूट करोगे कितना आएगा 5 आएगा, तो 7/2, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये 5 और 2 मल्टीप्लाई में आएगा और आपका आंसर आएगा 7/10। तो आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें 7/10 भी है, तो 7/10 क्या होगा आपका आंसर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए वो 7/10 होना चाहिए, बाकी जो आपकी आंसर शीट दी होगी उसको आप चेक कर सकते हैं और आप लोग भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो अगर आपका 7/10 आंसर आ रहा है तो आई होप ये सही होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर ये है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बच्चों के डाउट्स भी हैं, वो डाउट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने मुझसे कहा भी था लाइव क्लास में और उसका व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, उसका कहना था सर अगर हम किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालें या किसी पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस निकालें, देखिए ये पॉइंट है और ये लाइन है और ये पॉइंट है और ये प्लेन है, समझना बात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपका कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो जब भी हम जब भी हम किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं तो एक चीज नोटिस कीजिए, डिस्टेंस तो ये भी है, इस पॉइंट से यहां पे डिस्टेंस निकाल दो, ये पॉइंट है, इसकी यहां से डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस तो ये भी है, राइट, डिस्टेंस तो आपका ये भी है, समझो बात को जरा, यहां पे डिस्टेंस तो आप और भी है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है,
बहुत सारी डिस्टेंस है, तो हम किस डिस्टेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं? हम हमेशा बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो आपको इस पॉइंट की अगर लाइन से डिस्टेंस निकालनी है तो आप हमेशा ये वाली डिस्टेंस लोगे जो कि इस लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो यही आप निकालते हो, चाहे आप लाइन की बात करो चाहे आप प्लेन की बात करो। तो आपको ये डिस्टेंस नहीं निकालनी है, राइट? ये डिस्टेंस आपको नहीं निकालनी है, आपको हमेशा कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये प्लेन पे क्या होगी? परपेंडिकुलर, राइट? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब दोनों का फॉर्मूला देखिए, यहां पे जो आपकी लाइन है उसमें आपको क्या मिलेगा? ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसे देख लीजिए इसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और यहां पे जो प्लेन की इक्वेशन आप देखेंगे वो इस फॉर्म में देखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट? इस फॉर्म में देखेंगे। अब देखिए, जब आप यहाँ पे पॉइंट की, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो जब पॉइंट है आपका यहाँ पे x, y होगा, या x1, y1 ले लीजिए, और यहाँ भी पॉइंट क्या ले लीजिए? x1, y1 ले लीजिए, और इस पॉइंट को आप p ले सकते हैं, ठीक है? तो देखो, जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो डिस्टेंस निकल के आएगा, ये डिस्टेंस, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये कितना निकल के आता है? ये निकल के आता है आपका ए, ए आपका क्या है? ए आपका यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ x, किसका है? कोफिशियंट ऑफ x, ये वाला, ये सॉरी आपकी ये वाली लाइन है, तो ये a, और ये x की जगह यहाँ पे x1 आएगा, और ये x1 क्या है? ये वाला पॉइंट प्लस b, राइट? और ये आपका y1 क्या है? यहाँ पे y1 क्या है? ये वाला पॉइंट, ठीक हो गया? प्लस आपका क्या आ गया? c आ गया, प्लस c, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर x के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशियंट का स्क्वायर, राइट? यानी इसको मिड में लिख लीजिए ताकि बिल्कुल आपको एक प्रॉपर फॉर्म दिखे इसकी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये तो आपका हो गया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब इसकी बात करते हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होगा, एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं स्मॉल d ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी d था नहीं कहीं पे, बट यहाँ पे d लास्ट में आपको दिख रहा है। तो ये आपका जो डिस्टेंस होगा, स्मॉल d किसको शो कर रहा है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो ये क्या आ जाएगा आपका? a कोफिशियंट ऑफ x, और यहाँ पे आएगा x1 जो कि ये वाला पॉइंट है, यानी जो p पॉइंट है उसमें जो x कोऑर्डिनेट है उसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने लाइन में बात की थी। फिर b y1, फिर देखो यहाँ पे आपका पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे आपके तीन पॉइंट्स होंगे, ध्यान देना, x1 y1 z1, करेक्ट? तीनों पॉइंट होंगे, हम स्पेस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे? 2D में बात कर रहे हैं। तो ये आपका ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन और प्लस डी, ये वाला डी, राइट? ये आपका यहां पे आ गया, और अपॉन में कितना हो जाएगा? ये आपका अपॉन में हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो यहां पे स्टूडेंट बोलते हैं सर दोनों फॉर्मूला सेम तो है, सेम नहीं है। यहां पे देखो सी वाला पार्ट आपको मिल रहा है, आप ये कह सकते हो सिमिलर है, दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं है। यहां पे आपका लाइन है, यहां पे आपका प्लेन है, तो प्लेन में आपका यहां पे सी वाला पार्ट भी आपको दिखेगा, राइट? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, राइट? और यहाँ पे आपको ए और बी वाला, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई है, यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड है, तो बस फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन फॉर्मूला है तो अलग अलग ना। तो आई होप अब आपका कंफ्यूजन हट गया होगा कि प्लेन के केस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किस फॉर्मूले का यूज करना है, और जब लाइन के केस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, उसका फॉर्मूला ये है, और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, उसका फॉर्मूला ये है। तो आई होप गाइज आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइए, तो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में उस क्वेश्चन को यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा, और उस क्वेश्चन को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।